What is this? This one? The this middle. One? Huh? Kısır. Kısır. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I hope ke aap sab log theek thaak honge. Hum bhi alhamdulillah theek hain. Choti moti cheezein to saath saath chalti rehti hain. Ye zindagi ka hissa hai. Kuch bhi perfect nahi hota. Aur yahan ho raha hai nashta. Sorry, nashta ho nahi raha. Nashta ban raha hai. Aur saath saath main kar rahi hu safai. और पिछले घर में तो खैर ऐसे नहीं था, लेकिन इधर इन लोगों ने ना जो खाना बचता है ना उसके लिए अलग से बिन दी हुई है, जो ये लोग वीकली कलेक्ट करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है. इस तरह से खाना वेस्ट नहीं होता और जो ड्राई चीज़ें होती हैं वो हम डाल देते हैं परिंदों को, लेकिन जो सालन हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ें बचती हैं वो फिर हम इस बिन में जो है वो इकट्ठा करते रहते हैं. ठीक है जी. ये खैर मैंने घर में डब्बा बनाया हुआ है, जो बिन है वो बाहर होती है, तो फिर जब ये डब्बा थोड़ा सा भर जाता है तो फिर हम इसको बाहर बिन में डाल आते हैं. और यहाँ हो रही है सफाई, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि मैं अपने पूरे दिन की वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ रूटीन शेयर किया करूं, तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं कंप्लीट वीडियो बनाया करूंगी. बीच में बनाती थी ऐसे, लेकिन फिर मैंने बनाना छोड़ दिया, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे कहा कि टोटो में मैं वीडियो मत बनाया करूं. तो जी यहाँ हो रही है सफाई और यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ अपना मोप, जिसमें मैं डालती हूँ वुड क्लीनर डालती हूँ, मैं फेरी डालती हूँ, मैं डिटॉल डालती हूँ, और मैं इसमें डालती हूँ जो कपड़ों का सॉफ्टनर होता है ना कपड़ों में खुशबू के लिए, वो भी मैं थोड़ा सा डालती हूँ. उससे ये होता है कि पूरे घर में ना अच्छी सी खुशबू आती है. और मैंने काफ़ी सारे मोप ट्राई किए हैं, लेकिन इस वाले मोप से सबसे ज़्यादा अच्छी सफाई होती है और शाइनिंग भी आती है फ्लोर पे ना. सफाई इस घर की काफ़ी सारी है, तो मैं आधी आधी करके करती हूँ सफाई. मतलब अगर मैंने नीचे वाले पोर्शन की है तो ऊपर वाले पोर्शन की मैं एक दो दिन ठहर के करती हूँ, और डेली सफाई मैं नहीं करती. खैर यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा आती है. पिछले घर में इतनी डस्ट नहीं आती थी, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है, तो मुझे वो ना एक ऐसी जो आजकल का मौसम है ना, एक तो इस मुल्क में प्रॉब्लम है पोलन, पोलन से हो जाता है हे फीवर. मतलब मैं बाहर जाऊँ ना तो मुझे छींकें जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, और अगर आप प्रॉपर तरीके से सफाई ना करो तो घर में ऐसे लगता है कि बस ना हर तरफ मट्टी ही मट्टी है, और ये वाली सिचुएशन हो जाती है जो कि बड़ी ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन होती है. एनीवेज जी, सफाइयाँ जो है हमारे मुल्क में ये बड़ी एक आसानी होती है कि वहाँ पे आपको हेल्पर मिल जाते हैं. अगर हेल्पर ना भी हों तो एक घर में काफ़ी सारे लोग होते हैं और आप मिल बांट के जो है ना वो सफाई कर लेते हो, लेकिन इन मुल्कों में कोई हेल्प नहीं होती. इतनी जो होती है ना एक तीली की भी आपके पास हेल्प नहीं होती. इवन कि आप बीमार हो तो कोई एक गिलास आपको पानी देने वाला भी नहीं होता, क्योंकि आपका पार्टनर तो पूरा दिन बाहर होता है. ज़ाहरी बात है इस मुल्क में वो सीन तो है नहीं कि आप चौधरी बन के घर में बैठे रहो और मज़े से जो है जी खर्चे चलते रहें, वो तो ऐसे होता नहीं. यहाँ पे तो कमाइयाँ करनी पड़ती हैं, निकलना पड़ता है बाहर, अदरवाइज जो है घर नहीं चल सकते, तो पीछे बच जाती हैं ख्वातीनें. एक ही हर घर में एक ही खातून होती है. एनीवेज जी, तो सारा कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है, खुद ही आपको मैनेज करना पड़ता है. आप बीमार हो, जो भी हो, बच्चे भी संभालने, घर भी संभाल, सम टाइम इंसान बहुत थक जाता है, और एक तो आपको अपनों की याद सता रही होती है, ऊपर से आप थके हुए भी होते हो. एनीवेज जी,
हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है। अल्लाह पाक जिस हाल में रखे, हर जगह के मसले मसाइल हैं, जो मसले मसाइल वहाँ हैं वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है। तो परफेक्ट लाइफ किसी की भी नहीं होती। कभी भी किसी को देख के ये मत कहें कि इसकी तो जी आइडियल लाइफ है और ये परफेक्ट ज़िंदगी जी रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर इंसान की ज़िंदगी में सुख भी होते हैं, दुख भी होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह से बस रहम मांगना चाहिए और उसका फ़जल मांगना चाहिए। यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको अपने नेल, जो कि मैंने नेल्स की अपनी शेप चेंज की है। और वैसे इससे उंगलियाँ चौड़ी लगती हैं, लेकिन चेंज अच्छा होता है ज़िंदगी में ना, आपको फ्रेश करता है। एनी वेज जी, अब मैं जा रही हूँ ऊपर। ऊपर जाके मैं हल्की फुल्की सफाई करूँगी। डीप क्लीनिंग जो है मैं 2 दिन के बाद करूँगी। और यहाँ मैं काट रही हूँ फूल, क्योंकि मैंने जाना है आज फ्रेंड की तरफ। मेरी बड़ी ही एक प्यारी फ्रेंड है, टर्की से है वो, टर्किश है। तो उसने आज मुझे बुलाया हुआ है, तो फजर को स्कूल से पिक करके तो फिर हम लोग उसके घर जाएंगी। तो मैंने सोचा कि घर से ही बुके बना के ले जाती हूँ। और फजर के स्कूल के पास शॉप्स वगैरह है, तो वहाँ से मैंने कहा उसके बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह ले लूँगी। एक्चुअली ये टाइम जो होता है ना, बड़ा लिमिटेड होता है मेरे पास सुबह नाश्ते से लेकर फजर को लेने तक का, क्योंकि इसमें मैंने घर को भी मैनेज करना होता है, खाना शाना भी मैंने पकाना होता है। वैसे तो मैं एक दिन सालन बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको 2-3 दिन चला लेती हूँ बड़ी खुश उसलूबी के साथ। मतलब मैं डेली सालन नहीं पकाती हूँ। हाँ ये है कि साथ फिर सम टाइम ये होता है कि कुछ डिफरेंट कर लिया, लेकिन जो मेन खाना होता है वो मैं दूसरे तीसरे दिन बाद जाके बनाती हूँ। तो जी यहाँ मैं लेने जा रही हूँ फजर को, और उसके बाद फिर हम चलेंगे उनके घर। और जब मैं उनके घर गई ना, तो वो माशाल्लाह उसने अपना घर इतने खूबसूरत तरीके से सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ था, और फुल टर्किश माहौल था जैसे इनकी रवायात होती हैं। और घर की सेटिंग, और जब मेरे सामने ये कॉफ़ी का कप आया ना, तो मुझे अब्दुल हमीद वाला ड्रामा याद आ गया। और ये लोग कॉफ़ी के साथ ना पानी ज़रूर पीते हैं, क्योंकि इनकी कॉफ़ी होती है स्ट्रॉन्ग। तो ये लोग कहते हैं कि हम उसको डाइजेस्ट करने के लिए साथ साथ पानी पीते हैं, और इससे जो है वो फ़ायदा होता है। और उसने इतना प्यारा हमारा वेलकम किया कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसके घर जाके। और जब मैं आने लगी तो मुझे जूते जो है वो पहना रही थी, मेरे पैरों में डाल रही थी, तो मैंने उसको मतलब रोका। मतलब इतनी छोटी छोटी इनकी प्यारी प्यारी रवायात हैं जो कि बड़ी अच्छी लगी। और ये इनकी अम्मी के हाथों का बना हुआ है। चलें जी आप वीडियो एंजॉय करें और मुझे इजाज़त। What is this? This one? The middle? Huh? Kasir. Kasir. Yes, kasir. And what's inside? It's vegetables. Table, yeah. Yes. Okay. Kasir. Annesi. Bu açılmış hali değil mi? Yok daha açılma hali de var. You can sit here. Okay. Thank you. Diğer şu an bir avuç bulmasını yaklaşık bir tane ama ileride ayrılmaya başladı. Gerçekten mi? Bunun tadı çok güzel. Bir sen sonra fayda. Neyim? Bunun mu? Hayır onun da tadı güzel. Bunun anne. Bir de. Hadi izleyin güzel bir şey için, tamam mı? Altı izle. Onu bir tadar koyalım. Baba, anne. Börek. Yes, börek. Börek, okay. Spinach and feta cheese. Mm.